हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सुकून। माया काम के चलते काफ़ी परेशान सी थी और बहुत दिनों से दुखी भी थी। वो हमेशा से ही बाहर घूमना चाहती थी, पर काम के चलते जाना मुश्किल था। रविवार के दिन उसकी माँ के लगातार कहने पर वह पार्क की ओर गई, क्योंकि घूमना उसे हमेशा से पसंद था। पार्क जाकर उसको अच्छा लग रहा था। चारों ओर पेड़ पौधे, लोगों और हर चीज़ों को देखकर, खाली पड़ी सुनसान सीटों की ओर देखकर वो कुछ कुछ अपने मन में सोच रही थी कि आखिर वो इतनी मजबूर क्यों हो गई है। एक तरफ हरे भरे रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश भी हो रही थी, तो दूसरी ओर अपने बारे में सोच सोच कर परेशान भी हो रही थी। अनेकों लोग पार्क में टहल रहे थे, घूम रहे थे, खुश हो रहे थे। वही वो एक जगह पर बैठी हुई थी, आगे कदम बढ़ाने को डर रही थी। सारे जानवर, पशु पक्षियाँ, हर इंसान खुश था, पर अकेले केवल वो ही थी जिसके पास वहाँ घूमने का कोई भी रीजन नहीं था। ये बैठे बैठे मोबाइल में कुछ ना कुछ करने लगी। मौसम सुहाना होता जा रहा था, फव्वारा पानी उड़ेल रहा था। कहीं फव्वारे को देखकर मन ही मन में वो खुश भी बहुत हो रही थी। बच्चों को फव्वारे के पानी में छपछपाते हुए देखते हुए उसे मजा आ रहा था। आखिरकार खुश तो वो थी, कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। माया सुकून में थी, माया खुश थी। शाम होने लगी थी, पशु पक्षी खाने की तलाश में बाहर जा रहे थे। वहीं उसको भी अच्छा अच्छा महसूस हो रहा था, खुशी महसूस हो रही थी। माया ने खड़े खड़े सोचा कि आखिर में इतना परेशान होने वाली क्या बात, जिंदगी का क्या है, कभी खुशी है तो कभी गम है, पर खुश रहना जरूरी।